रिजल्ट सीबीएसई का घोषित किया गया है, पेंडेमिक में नए फॉर्मूला बनाया गया सीबीएसई की तरफ से, क्या देख रहे हैं आप, कैसा रहा रिजल्ट? और सीबीएसई के द्वारा बनाए गए जो भी पॉलिसी है और जो टेक्निकल सपोर्ट उनका रहा सीबीएसई वालों का, ये काफ़ी सराहनीय है। ये एक टीम वर्क रहा जिससे कि बच्चों के असेसमेंट, उनका थ्योरी पेपर जो रेगुलर बेसिस पे स्कूलों में हुआ है और प्री बोर्ड एग्ज़ाम, इन सभी को मिलाकर सीबीएसई ने रिज़ल्ट को जारी किया है। काफ़ी अच्छा प्रयास रहा है सीबीएसई का और हम समझते हैं कि ये आने वाले समय के लिए भी काफ़ी उपयोगी रहेगा। सर, कितने छात्र क्या इससे लाभान्वित हुए हैं या फिर छात्रों को इस प्रोसेस से कुछ प्रॉब्लम भी हुआ या उनके अच्छे अंक आ सकते थे वो नहीं आए, या फिर वैसे छात्र जो एवरेज कैटेगरी थे उनको ज़्यादा इससे लाभ मिल गया, क्या देखते हैं? हाँ, बच्चे लाभान्वित तो हुए हैं जो लो स्टडी मीडियोकर स्टूडेंट थे, उन्हें तो बेनिफिट इससे नज़र आ रहा है, लेकिन जो मेधावी छात्र थे वो शायद कम संतुष्ट हो पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम और बेहतर कर सकते थे। सर, आपके स्कूल का कैसा परफॉर्मेंस रहा है इस असेसमेंट में? हमारा 31 तारीख को 12वीं का रिज़ल्ट निकला, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा है हमारे स्कूल का, जिसमें 6 बच्चों ने 90 प्लस स्कोर किया है। जो साइंस कैटेगरी में सबसे अच्छा स्कोर हुआ है 96% अनन्या मिश्रा, और कॉमर्स के कैटेगरी में 80.6% स्कोर की है बच्ची जिसका नाम है सोनाली सिंह। आज 3 तारीख को सीबीएसई के द्वारा 10th का रिज़ल्ट जारी किया गया है, जिसमें हमारे विद्यालय के बच्चे ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, लगभग 100% हमारा रिज़ल्ट है। इसमें भी कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है जिनका स्कोर 90 प्लस है।